हेलो एंड वेलकम टू अवर बेस्ट एटीट्यूड चैनल। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बारे में, WPS ऑफिस के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बारे में। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, तो मैं उसी के रिलेटेड नेक्स्ट फीचर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गमाए, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम बात कर लेते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। उसमें जो सबसे पहला बटन दिया हुआ है वो पिवट टेबल का। अगर मैं यहाँ ब्लैंक पर क्लिक करके इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो ये टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर हमने वही डाटा एंटर करना है जो हमने एनालाइज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले आप रेस सेट करो, यहाँ पर अपने सेल एड्रेस के भर देना है जहाँ से आपने जो डाटा एनालाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल इसीलिए बना है ताकि आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकें और उसका कैसे एडिट करना है वो भी इसमें दिया है। सो हम इसे क्लोज करके मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन यानी कि टेबल पर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर टेबल का सीक्वेंस मांगेगा, जैसे कि आप टेबल जितना टेबल डालना चाहते हैं। तो अगर मैं क्लिक करूँगा ओके, तो ये देखिए ये टू टेबल्स थे तो वो इंसर्ट हो चुके हैं और वो भी कॉलम वाइज। अगर आप चाहें तो उसमें और भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी उसमें एडजस्टमेंट करके। तो मैं अभी के लिए इसे डिलीट कर देता हूँ। जो ये टेबल इंसर्ट होगा वो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था आपने कैसे फॉर्मेट के टेबल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो कोई भी आपने सिंपल रखा होगा तो वो ऐसे आएगा। तो जो आप यहां से फॉर्मेट चूज़ करोगे वही आपको जो इंसर्ट टेबल में शो होगा। सो अब हम इंसर्ट टैब के दूसरे फंक्शन में आए थे यानी कि चार्ट। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैं इन सब डाटा का चार्ट बनाना चाहता हूं, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर चार्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे चार्ट दिए हुए हैं। मान लीजिए पहले मैं डाटा को थोड़ा कम कर देता हूँ, सिर्फ इतना डाटा का हम अगर चार्ट बनाना चाहें तो ये देखिए। यहाँ पर बहुत सारे चार्ट दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर जो कोई भी चार्ट अच्छा लगता है उसे आप सिलेक्ट करके सिंपल इजीली इंसर्ट पर क्लिक कर दिए। जैसे मैंने कॉलम का सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए चार्ट यहाँ पर आ गया। सो ये जो हमने डाटा सिलेक्ट किया था ये उसी का चार्ट है। सो ये उसी को शो करेगा कि आपने कैसे जो डाटा है, ये देखिए सीरीज़ वन है, सीरीज़ टू है, ये अलग अलग कलर्स में उसको डिफाइन कर रहा है। सो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि ये चार्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पर और भी यहाँ पर ऑप्शन खुल गए हैं, तो आप इसकी हेल्प से इसको ईजिली एडिट कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन यानी कि पिक्चर के बारे में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप में सेव कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, उसको सिलेक्ट करना है यहाँ से सिंपल आपने, और यहाँ से इंसर्ट ओपन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे एक न्यू पिक्चर यहाँ पर शो हो जाएगी जो आपने सेलेक्ट की होगी। सो ये स्क्रीन ग्रैब, इसकी हेल्प से आप, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था आपको ये कैसे इस्तेमाल करना है। वैसे ये टूल जो है वो स्क्रीन को ग्रैब यानी कि स्क्रीन की एक स्क्रीनशॉट लेता है जो आप इजीली अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं शेप्स के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी शेप्स दी हुई हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी अपने इस स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डालकर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। वैसे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम सबको पता है, अगर हम कोई शेप डालते हैं तो उसमें कुछ एंटर करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स उसमें इंसर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो कुछ भी आप चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट यानी कि वर्ड आर्ट पर। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड आर्ट डिज़ाइन दिए हुए हैं, यहाँ
आपको पता है वर्ड आर्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ टेबल। सो इस तरह आप वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से आप स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप यहाँ से इजीली चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी इफ़ेक्ट्स की सेटिंग भी शुरू खुल गई है, 3D ग्लो वगैरह, तो आप इजीली समझ सकते हैं। ये मैंने इस टूल के बारे में मैंने आपको पिछले फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर WPS ऑफिस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको इजीली इन सब की लिस्ट मिल जाएगी। सो अगले जो बटन की बात करते हैं वो है सिंबल। यहाँ से आप इजीली अपने वर्कशीट में सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अगला बटन है इक्वेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नंबर और इक्वेशन आप इजीली तैयार कर सकते हैं और इजीली अपने सेल में इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेडर और फूटर के बारे में। हेडर और फूटर वैसे मैंने अपने WPS प्रेजेंटेशन में समझाया था क्लियरली कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी आपको क्लियरली बता देता हूँ। हेडर जो होता है, जैसे हम ये वर्कशीट है, इसका ये जो हेडिंग पार्ट है, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से, तो इसको बोलते हैं हेडर पार्ट ऑफ वर्कशीट। अब जब हम नीचे जाते हैं बॉटम पार्ट की ओर, तो जो बॉटम पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं फूडर। अगर हम जैसे कि यहाँ पर बॉटम पार्ट में कुछ नोटिस या कुछ लिखना चाहें तो इनकी हेल्प से आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हेडर फूडर क्या है। यहाँ पे आप इजीली डाटा पेज वन पर डालना चाहते हैं, पेज टू, तो यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट करके इजीली डाल देना है। अब मैंने आपको हेडर के बारे में बता दिया। कैमरा है इसकी, अब से आपको पता ही है कैमरा शुरू हो जाएगा जैसे कि आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैमरा आपके फोटोज खींच कर इजीली इसमें डाल देगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। इसकी हेल्प से आप कोई भी अपने वर्कशीट में चाहें तो न्यू ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट में मिल जाते हैं, जो कोई भी आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पर उसकी जो फाइल फॉर्मेट है वो सेट करके इजीली आप इनसे क्लिक करके यहाँ पर फाइल लोकेशन ट्रेस करके इंसर्ट कर सकते हैं। और सेम यही है फाइल ऑब्जेक्ट का, यहाँ से आपने सिंपल फाइल अपने ऑब्जेक्ट का लोकेशन सेट करके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके वर्कशीट में वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक वैसे वो लिंक होता है जिसकी हेल्प से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए आपने कोई गूगल से सर्च करके कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, तो वहाँ पर अगर आप फ्री डाउनलोड सॉन्ग्स लिखते हैं तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट के लिंक खुल जाते हैं, तो वहाँ पर जो ब्लू कलर का जो वर्ड हाईलाइट होते हैं, वो जो वर्ड होते हैं वो हाइपरलिंक किए होते हैं, क्योंकि वो दूसरी पेज से जुड़े हुए होते हैं। सो इस तरह हाइपरलिंक का WPS ऑफिस में भी, यहाँ पर स्प्रेडशीट में भी यूज़ किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने अगर और एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसके नेक्स्ट फंक्शन जो और भी दिए हुए हैं डिफरेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा और एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूज़ करना है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे टैक टिप्स और ट्रिक्स लाता रहूँगा, और ट्यूटोरियल भी आपको जैसे आप देख सकते हैं
दिखा रहा हूँ, ऐसे और भी ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। सो चलिए अब, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।